actually had to start a new meeting, though it won't be very effective. But then anyway, at least I can just wind up. अभी चलो आने लगा आजकल टेक्नोलॉजी का है ना, इवन जूम इज फेलिंग नाउअडेज. ध्रुव हैज सेड गुड आफ्टरनून एज इफ अनदर क्लास इज स्टार्टिंग. आज इंग्लिश क्लास भी है क्या? आज इंग्लिश भी है क्या? नो सर. आज इंग्लिश नहीं है. चलो इस मामले में वाइंड अप करते हैं. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये तो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है ही है, साथ में एक चीज और भी है एंड दैट इज बी इंड्यूस्ड इज वेरी वेरी हाई. मैं एक एग्जांपल देता हूं, शायद उससे लगभग क्लियर हो जाएगा. मैं एग्जांपल देता हूं, उससे लगभग क्लियर हो जाएगा. एंड दैट इज बी नॉट सपोज है 100, तो बी इंड्यूस पता क्या है, मान लो है 48,000. नाउ यू माइट सी के वैल्यू आपने सिलेक्ट कर लिया है ना, ये कहां 100 और ये 48,000. आंसर इस 48,000 से ज्यादा भी हो सकता है ठीक है ना. यही तो इस मटेरियल का स्पेशलिटी है. फेरो ये जो आयरन जो मैग्नेटिज्म होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो वो इन्हीं मटेरियल्स की वजह से होता है एंड दैट इज फेरो मैग्नेटिक. तो देयरफॉर ये जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इसका स्पेशलिटी क्या है, इसके अगर बी नॉट 100 है, मतलब मैं तो स्टैंडर्ड 100 ले रहा हूं, कुछ भी दे दो, तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है दैट द बी इंड्यूस्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेम डायरेक्शन as external magnetic field. तो यानी आप देखो क्या हो गया, B net कितना हो गया फिर 48,100. यानी ये हो गया 48,100 is equal to 100 plus 48,000. तो ये बताओ फिर आप. हाँ मनन, मुझे याद है कि वो क्यूरीज लॉ पे फ्रीज हो गया था. तो लाइक जयज आस्की क्या क्या रहा था, अभी मैंने कुछ कराया नहीं, जस्ट मैं वाइंड अप कर रहा हूं, तो बस एक चीज बता देता हूँ, देन विल वाइंड अप. दैट इज फेरोमैग्नेटिक का खासियत क्या है कि अगर तुमने अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया तो उसके कंपेरिजन में एक ह्यूज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिज्म वो खुद से जनरेट करता है इंड्यूस्ड, और वो भी उसी डायरेक्शन. सो दैट इज बेसिकली द आईडिया. तो 48,000 ये, यानी इसके जगह मैं काई देखता हूं तो क्या आ रहा है 48,000 बाय 100 है ना, यानी इक्वल टू 480. और अगर मैं इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी देखता हूं तो म्यू आर वो कितना हो जाएगा 48,100 by 100 यानी equal to 481. देख लो, तो ये हो गया 480 और ये हो गया 481 ठीक है ना. चलो अभी कुछ लोग लॉग इन कर रहे हैं बट आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ मच यूज. तो मैं बस एक शॉर्ट समरी ये दे देता हूं इज दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का स्पेशलिटी क्या है. स्पेशलिटी ये है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, which is equal to original yani external plus induced, is the induced magnetic field ka value bahut zyada high hai. That is the speciality, yani iska jo induced magnetic field hai uska value bahut high hai. So induced magnetic field ka maine ek example liya hai, dekho external magnetic field diya gaya 100 aur usi direction mein, see agar iska value bahut kam hota to in that case ferromagnetic alag category thodi karta, phir to usi ko paramagnetic bol dete. नहीं तो फेरोमैग्नेटिज्म का स्पेशलिटी ये है कि उसी डायरेक्शन में ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड जो है सामने की तरफ प्रोड्यूस होता है. तो सॉफ्ट आयरन इज वन एग्जांपल, कोबाल्ट इज वन एग्जांपल, आई थिंक शायद निकल भी एक एग्जांपल है. तो ऐसे कुछ कुछ मटेरियल्स है जो कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है ठीक है ना. तो उसका स्पेशलिटी क्या हो गया ना,
इसका भी काई जो है डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, लेकिन इसका जो मेन स्पेशलिटी है वो है कि इसका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ह्यूज वैल्यू है। अब ये क्यों होता है नॉल, इसकी भी एक्सप्लेनेशन है। नाउ दोज आर थिंग्स दैट वी विल बी टेकिंग अप सब्सिक्वेंटली। अभी भी कुछ लोग एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं तो मैं कर देता हूं, ठीक है। सत्यम इज आस्किंग अबाउट क्यूरी लॉ। नहीं, क्यूरी लॉ आज नहीं हो पाया, क्यूरी लॉ भी बताऊंगा मैं। क्यूरी लॉ है, लेकिन क्यूरी लॉ जो है ना फेरोमैग्नेटिक के लिए थोड़ा अलग है। जैसे पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने क्या बोला कि ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये हो गया पैरामैग्नेटिक के लिए। इसका थोड़ा सा अलग है, उसके जैसे ही है पर थोड़ा सा अलग है, तो वो हम लोग कल करेंगे, है ना। तो आज जो है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा सा बीच का डिस्टर्बेंस रहेगा, तो लाइक दिस पार्ट वी विल आई थिंक रिपीट वंस मोर टुमारो। ये तो जस्ट कुछ लोग ही लॉग इन कर पाए, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा लोग लॉग इन नहीं कर पाए, तो काफी लंबा डिस्टर्बेंस हो गया, तो कईयों को तो ये भी लग गया होगा कि शायद खत्म ही हो गया आज और कुछ हो नहीं रहा। तो चलो व्हाट एवर इट इज डजंट मैटर, आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बट ये जो फेरोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है इसको एक बार कल फटाफट रिवाइज करके इन ब्रीफ, आई मीन जो अभी तक हमने डिस्कस किया इन ब्रीफ एक बार रिवाइज करके फिर हम जो है आगे बढ़े, ठीक है ना। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुमारो, फॉर टुडे रादर। वी विल कैरी ओवर टुमारो एंड यू नो लेट्स होप दैट टुमारो इज अ स्लाइटली ग्लिच फ्री सेशन। वैसे क्लास 11th में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था कल, आज तो नहीं आया बट कल प्रॉब्लम आया था इसी टाइप का, वो बीच में ब्रेक हो गया एंड ऑल्सो देयर वाज अ लिटिल इशू। आई डोंट नो, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट तो करता ही है हर चीज को तो सॉल्व किया नहीं अभी तक, बट द एंडेवर इज टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। चलो, नेक्स्ट होप इट गोज ऑन इंप्रूविंग। चलो आज के लिए इतना ही फिर, है ना। ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।